जी, तो राइट नी में प्रॉब्लम है। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या जो एग्जैक्टली आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि पैर एक तो मुड़ नहीं रहा, कम मुड़ रहा है, 30 कम मुड़ रहा है। दूसरा, जब पैर जैसे सीधा फैला कर कोई बैठते हैं तो राइट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट थोड़ा ठीक है, बाकी लेफ्ट में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट बिल्कुल ठीक है। तो जब हम बैठते हैं तो लेफ्ट का तो जो निचला वाला पार्ट है घुटने का, वो जमीन से सट जाता है, राइट वाला वो सट भी नहीं रहा, गैप रहता है उसके बीच में। जोड़ में जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थ का मतलब होता है जोड़, अर्थ का मतलब जॉइंट, और आइटिस का मतलब होता है जहां पांच चीजें पाई जाएं। पहला सूजन, आपके घुटने में सूजन है। दूसरा दर्द, आपके घुटने में दर्द है। तीसरा लालामी, तो लालामी का मतलब घुटने को जब खोला जाएगा ना तो इंटर आर्टिकुलर सर्फेसेस लाल लाल रहेंगे, रेडनेस रहेगी उन पर। चौथा गर्मी, तो घुटने के जॉइंट के ऊपर या फिर नीचे हाथ रखेंगे तो कंपैरेटिवली कम गर्म होगा, लेकिन जहां इन्फ्लेमेशन होता है वो एरिया थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, तो घुटना कंपैरेटिवली थोड़ा गर्म रहता होगा अंदर से। अच्छा, और पांचवा है लॉस ऑफ फंक्शन, घुटने के जोड़ का काम जो है ना वो कमजोर हो जाता है। ये पांचों चीजें जहां भी पाई जाती हैं उस जगह की अर्थराइटिस बोला जाता है। अब ये घुटने पर पाया जा रहा है तो ऑस्टियो अर्थराइटिस बोला जा रहा है इसको, ऑफ नी जॉइंट। जी ठीक है, तो अर्थराइटिस का तो मतलब हो गया जॉइंट पर पेन, सूजन, लालामी, हीट और साथ में दर्द, में दर्द है या कार्यक्षमता में कमी है। उसका रीजन क्या है और उसमें हुआ क्या क्या है अंदर और क्या क्या हो गया। अर्थराइटिस में मतलब ये, जैसे ये घुटना है, अब इस घुटने में क्या क्या हुआ है, सूज गया है, पटेलर लिगामेंट, सुप्रा पटेलर लिगामेंट पर जो है ना वो बहुत सूजन सी आई हुई है, आपका ACL कंप्लीट टियर हुआ है। ACL का मतलब है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये जो होता है ना ये आगे का हिस्सा है घुटने का, और सौभाग्य से दायना वाला घुटना ही है ये। तो ये जो ये हिस्सा है, यहाँ आगे की तरफ एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट का मतलब जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी से जुड़ी रहे, वो कहीं अलग ना हो जाए, इसके लिए एक स्टेबलाइजिंग लिगामेंट होता है, इसको बोला जाता है ACL। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है ये, आपका कंप्लीट टियर हो रहा है। जैसे अपने MRI कराई है, MRI ऑफ राइट नी, तो इसमें सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस सीन इन राइट नी विद मल्टीपल मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स, तो ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस आ रहे हैं। सीवियरली रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस, तो जॉइंट स्पेस का मतलब होता है ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में जो स्पेस है ये रिड्यूस हुआ है। सामान्य तौर पर लोगों को कहते हुए पाया जाता है ना, जोड़ गैप बढ़ गया है, गैप बढ़ता कभी नहीं, गैप कम होता है तब प्रॉब्लम आती है। गैप अगर बढ़ गया होता तो फिर ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच के स्ट्रक्चर दबते ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एक तो गैप सीवियरली रिड्यूस हुआ है जो गैप है वो, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं माइल्ड जॉइंट एफ्यूजन, सुप्रा पटेलर एक्सटेंशन पर जॉइंट एफ्यूजन आया है, वहां सूजन आ गई है। उसके बाद हुआ है डिसकंटिन्यूटी ऑफ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फाइबर। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि ACL लिगामेंट जो है ना डिसकंटिन्यू हो गया, वो टूट ही गया। जैसे मान लेते हैं अगर ये ACL होता, ये है नहीं बताने के लिए, तो ये पूरा ऐसे कट गया। तो ACL के फाइबर जो है ना सजेस्टिव ऑफ कंप्लीट ACL टियर। कंप्लीट ACL टियर मतलब जो लिगामेंट, जैसे होता है कि कोई चीज किसी चीज को बांधने के लिए, जोड़ के रखने के लिए या सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है, और वो सपोर्ट देने वाली चीज ही, जैसे ये है और एक ये वाली पेन है, और ऐसे करके धागे से इसको बांध दिया जाए और वो धागा ही कंप्लीट टियर हो जाए, तो फिर ये बंधा हुआ रहेगा ही नहीं, ये फिर स्टेबलाइज नहीं होगा, अनस्टेबल होने के रीजन होते हैं या तो बहुत एकदम से सीवियर इंजरी हुई, कोई चोट लग गई, या फिर धीरे धीरे दोनों हड्डियों के बीच में मसल के फाइबर, जो लिगामेंट के फाइबर आते रहे। पहले जैसे बड़ा वाला धागा होता ना, बड़ी वाली रस्सी, और उसको ऐसे ऐसे करके पत्थर पे घिसोते धीरे धीरे करके कटती है, पहले एक धागा कटा, फिर दूसरा कटा, फिर तीसरा कटा, ऐसे ऐसे करके सारे फाइबर ही कट गए।
तो ये जो लिखा हुआ ना डिसकंटिन्यूटी ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फाइबर्स थे, तो ACL के फाइबर्स जो है ना वो धीरे धीरे करके डिसकंटिन्यू हुए, और एंड में लिखा हुआ है सजेस्टिव ऑफ कंप्लीट ACL टियर। ACL टियर जब हो जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट जो है ना वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बात यहाँ रुकी नहीं है, अब क्या हो रहा है, इसके बाद हुआ है डिफ्यूज इंक्रीज्ड सिग्नल इंटेंसिटी सीन इन लैटरल मेनिस्कस। लैटरल मेनिस्कस जो है ना, लैटरल मेनिस्कस का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो है ना ये हो गया आपका नी जॉइंट। अब नी जॉइंट में आपका जो साइड वाला हिस्सा होता है, तो साइड वाले हिस्से का नीचे वाला पार्ट टिबिया का जो है ना वो भी आपका मेनिस्कस जो है ना वो घिस रहा है, और वो मेनिस्कस अगर घिस रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा वो। उसके बाद में बॉडी ऑफ मीडियल मेनिस्कस ये भी प्रॉब्लम में आई है, मतलब ये दोनों तरफ जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज धीरे धीरे करके घिस रहा है, क्योंकि ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पे प्रेशर डाल रही है लगातार। तो इसमें आया है सजेस्टिव ऑफ ग्रेड 3 डिजनरेटिव मेनिस्कल टियर। तो ये जो मेनिस्कस है इस पर भी बहुत जोर पड़ा हुआ है, इसमें ग्रेड 3 का टियर आया है, मेनिस्कस भी फट गए हैं। तो अगर मेनिस्कस भी फट गए हैं इसके, ऐसे कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी, और जब आप चल के दाहिने वाले घुटने पर वजन डालते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे अभी गिर जाना है। और इतनी अनस्टेबिलिटी अगर आ गई है और आप अभी चलने का काम करते रहोगे तो ये डिजनरेशन जो है ना ये सीवियर हो जाएगा, जो कि लगभग लगभग हो गया है। अब इलाज का तरीका क्या है, इलाज का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आप ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में कैसे भी करके ये गैप को मेंटेन करा दीजिए। गैप मेंटेन करा देंगे तो धीरे धीरे करके ये आराम हो जाए, अपने को वही करना है।